जय स्वामीनारायण। माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल लाठेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 का पहला पाठ दयालु शिकारी चित्रपाठ होम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कहानी है, मतलब यहाँ पर आपको चित्र में से कहानी बनानी है। स्टैंडर्ड 5th में आपने कई सारी कहानियाँ बनाई होगी, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कहानी आती है। आपको वहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक दिए जाते होंगे, उसमें से आपने कहानी बनाई होगी, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नया करना है, हमें चित्र में से देखकर कहानी बनानी है। तो यहाँ पर देखो, हमें अलग अलग टाइप के 9 चित्र दिए गए हैं और लेसन का नाम क्या है, दयालु शिकारी। शिकारी मतलब जो शिकार करता हो, इंग्लिश में उसे हम हंटर बोलते हैं। शिकारी कभी दयालु नहीं होता, जो अगर वो दयालु होता तो वो कभी शिकार करने जाता नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ बात ही अलग हुई कि शिकारी है वो दयालु हो गया। एक दिन एक शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई, हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई, तो वो जंगल में चला गया शिकार करने। जब हम जंगल में घूमने जाते तो हम देखते कि हिरन के ग्रुप हिरन होते वो हमेशा ग्रुप में, मतलब एक समूह में घूमते हैं, एक दो हिरन नहीं घूमते। तो शिकारी गया जंगल में और वो घूमने लगा जंगल में कि कहीं उसको हिरन मिल जाए। तो उसने देखा कि एक 6-7 हिरण का ग्रुप इधर उधर घूम रहा है, तो वो झाड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और उसकी राह देखने लगा। उसने सोचा कि जैसे हिरण का ग्रुप आगे बढ़ेगा तो उसमें से एकाध हिरण या हिरनी क्या हो जाएगी, पीछे रह जाएगी, तो मैं उसका आराम से शिकार कर लूँगा। और उसने, उसके पास बंदूक थी, जैसे थोड़ी देर में हिरण का ग्रुप आगे बढ़ने लगा तो एक हिरनी पीछे रह गई और शिकारी ने उसको क्या किया, गोली मारी। जैसे ही शिकारी ने गोली मारी, वो गोली एक हिरनी को लगी और गोली लगनी, और हिरनी थी वो क्या थी, गर्भवती थी। गोली लगी और उसने क्या किया, एक शावक को, नन्हे बच्चे को जन्म दिया। हिरनी गोली है वो हिरनी के क्या लगी थी, पैर के पास लगी थी। शिकारी उसके पास आया, उसने देखा कि ये हिरनी ने छोटे शावक को जन्म दिया है और हिरनी दर्द के मारे कराह रही थी, मतलब चिल्ला रही थी, उसको बहुत ही दर्द हो रहा था, गोली लगी थी इसलिए। ये देखकर शिकारी का दिल भर आया, उसके दिल में थोड़ी दया आई। फिर उसने हिरनी और हिरनी के बच्चे को तुरंत कहाँ ले गया, पशुओं के अस्पताल ले गया। वहाँ पर डॉक्टर ने हिरनी के पैर में से गोली निकाली और जख्म पर मरहम लगाया, दवा लगाई, पट्टी की, तो हिरनी को थोड़ा आराम मिला। थोड़े देर बाद हिरनी जब चलने लगी तो शिकारी ने हिरनी और हिरनी के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। इस तरह शिकारी ने एक अच्छा काम किया। कहानी यहाँ पर पूरी हो जाती है, लेकिन ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि ये धरती पर, इस संसार में जितने भी जीव है उसको ये धरती पर जीने का अधिकार है। हम किसी के जीने का अधिकार छीन नहीं सकते। हमें सबके साथ मानवता भरा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करना नहीं चाहिए। तो ये कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन आगे नीचे देखोगे तो ऐसी और 3 कहानी है, और एक 3 कहानी है। सबसे पहली कहानी में देखो तो एक कछुआ है और 2 हंस है, उसकी कहानी भी आपने सुनी हुई होती है, लेकिन मैं यहाँ से आपको एक बार वापस वो कहानी सुना देता हूँ अपने तरीके से। लोग अपने तरीके से कई सारी इस चित्र को देखकर कहानियाँ बनाते हैं। सबकी कहानियाँ अलग अलग होती है, सबकी जो प्रेजेंटेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो जिसने भी बोली वो सबकी सही है, मैं भी जो बोलूँ वो भी आप सही समझना। एक तालाब था, उसमें 2 हंस, कई सारे हंस रहते थे, कई सारे कछुए भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर एक कछुआ था, वो बड़ा बातूनी था, उसको बोलना बहुत पसंद था, तो सबसे बातें करता रहता था। इसके कारण हंसों के साथ उसकी क्या हो गई, दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती उन लोगों की क्या हो गई, गाढ़ हो गई। गाढ़ मतलब कि पक्की मित्रता हो गई हंस और कछुए के बीच में। धीरे धीरे समय आया कि वो तालाब का पानी सूखने लगा और धीरे धीरे तालाब में से पानी खत्म हो गया। तो हंसों ने क्या सोचा कि हम दूसरे तालाब पर चले जाते हैं। तो हंस तो उड़कर दूसरे तालाब पर चले जाए, लेकिन कछुआ कैसे जा सकता था, कछुआ तो भाग भी नहीं सकता, कछुआ चलता कैसे, धीरे धीरे चलता है। तो हंस तो जा रहे थे, तो उसने कछुए ने देखा कि हंस तो ये तालाब छोड़कर जा रहे हैं। तो कछुआ हंस के पास गया और हंसों को विनती की कि हे फ्रेंड्स, हे मित्र, मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो।
हंस बोले हम तो उड़ सकते लेकिन तेरे पास तो पंख नहीं है, तो उड़ भी नहीं सकता, तो हम तुझे कैसे ले जाए वहाँ पर। तो हंस थे वो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या कि चलो कोई आइडिया ढूंढते हैं जिसके कारण हम तुझे भी साथ में ले जाए। हंस उड़ के गए और आसपास के जंगल में से एक बड़ी सी लकड़ी ढूंढकर ले आए। फिर लकड़ी लाए और बोला कछुए को, तो अगर तुझे मेरे हमारे साथ आना हो तो लकड़ी को बीच में से पकड़ना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है कि तुझे कहीं पर भी अपना मुंह खोलना नहीं है। कछुओं ने हंसों की शर्त मान ली कि मैं अपना मुंह नहीं खोलना का, लेकिन आप मुझे किसे भी करके यहाँ से ले जाओ। हंस ने बोला ठीक है, तुम मेरी शर्त मान ली है तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। फिर लकड़ी का एक एक सिरा, मतलब एक एक लास्ट भाग जो एंड का पॉइंट होता है, वो दोनों हंसों ने अपने मुँह में पकड़ लिया और बीच के भाग से कछुए ने पकड़ लिया और हम हंस उड़ने लगे और साथ में कछुआ भी उड़ने लगा। तो उड़ते उड़ते हंस और कछुए जा रहे थे तो एक गांव आया, तो गांव के लोगों ने ये नज़ारा आसमान में देखा। उसने देखा कि दो हंस एक कछुए को उड़ाकर ले जाते, तो सारे लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए। तो ये देखकर कछुआ बहुत ही खुश हो गया और कुछ बोलने गया, हंसों को बोलने गया कि देखो नीचे। जैसे ही बोलने गया वैसे उसके मुँह से वो लकड़ी छूट गई, वो कछुआ फटाक से नीचे आया और सीधा ऊपर चला गया, मतलब नीचे आया और ऊपर चला गया, मतलब वो सीधा मर गया। अगर उसने हंसों की बात शर्त मानी थी, अगर मुंह नहीं खोला होता तो आज कछुआ जिंदा होता। वैसे कई कबार हमें भी अपना मुंह है वो सही समय पर खोलना है, और सही समय पर कई ऐसे समय होते हैं वहाँ पर नहीं भी खोलना है। मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादा भी बोलना नहीं है और कम भी बोलना नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें बोलना है। एक दूसरे साइड में आओ तो एक कौवा दिखाई दे रहा है हमें, बराबर। ये कहानी भी बहुत पुरानी है और बहुत ही सुनी हुई कहानी है मित्रों। इसमें देखो, एक कौवा था, उसको प्यास लगी थी, गर्मी का मौसम था, कौवे को प्यास लगी थी। कौवा पानी के लिए उधर उधर भटक रहा था, लेकिन कौवे को कहीं से पानी नहीं मिल रहा था। कौवा उड़ता उड़ता एक झाड़ पर आया और देख बैठा, तो उसने देखा कि पास में दो घर थे और घर के बाहर एक क्या पड़ा था, घर के पास बाहर एक घड़ा पड़ा था। तो कौवा उड़कर सीधा घड़े की नोक पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा शायद घड़े में पानी हो तो मैं पी लूँ। कौवे ने घड़े में देखा तो घड़े में पानी तो था लेकिन बहुत ही नीचे था। कौवे ने ट्राई किया अपनी चोंच से पानी पीने की, लेकिन पानी आया नहीं। वैसे कौवा निराश होने वालों में से नहीं था, बहुत ही बुद्धिशाली कौवा था। उसने देखा कि कुछ आइडिया तो करना पड़ेगा, पानी पीना है, प्यास लगी है। तो उसने देखा तो आसपास कई सारे कंकड़ पड़े थे, तो कौवे ने एक एक कंकड़ उठाकर क्या करता रहा अंदर डालता रहा। कंकड़ की वजह से पानी क्या आ गया, ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। वैसे मित्रों, कौवे ने जैसे दिमाग लगाया वैसे हमें भी कई सारी जगह पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब मुसीबतों के सामने हमें घुटने नहीं टेकने, लेकिन उसका डट कर सामना करना है। मुसीबत आए तो हमें डरना नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत ही हार्ड है, ये हार्ड हार्ड मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये सब हमें नहीं करना है, ऐसे डरना नहीं है। लेकिन मुसीबतों का क्या है, डट कर हमें सामना करना चाहिए। जैसे कौवे ने डट कर सामना किया तो उसकी प्यास बुझ गई, वैसे हम भी मुसीबतों का सामना करेंगे डट कर, तो कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी वो आसानी से हम क्या उसका हल ला सकेंगे। नीचे एक तीसरी कहानी है, ये एक पुरानी कहानी है, उसका लेटेस्ट वर्जन है। ये एक पुरानी कहानी का लेटेस्ट वर्जन है। पुरानी कहानी मैं आपको पहले बताता हूँ, ये कहानी से पहले मैं आपको इस कहानी का पुरानी कहानी बताता हूँ। ये कौवा था, वो अपनी चोंच में पूरी लेकर जा रहा था, तो एक लोमड़ी ने उसकी बहुत ही तारीफ़ की, तो कौवे के मुँह तारीफ़ की, उसको गाने का बोला, तो कौवे की चोंच में से पूरी नीचे गिर गई और लोमड़ी पूरी लेकर चली गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे कौवे के बच्चे आ गए और लोमड़ी के बच्चे के भी बच्चे हो गए। तो दोनों ने अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई कि कौवे ने बताया कि एक बार मैं ऐसे आ रहा था, दादा जैसे हमारे दादाजी होते हैं वो मैं कैसे कहानी सुनाते हैं। तो एक कौवे ने भी अपने पोते को कहानी सुनाई कि एक बार मैं ऐसे पूरी लेकर आ रहा था और लोमड़ी ने मेरी तारीफ़ की तो मेरे मुँह से पूरी नीचे गिर गई और खा के ले गया। इसलिए कभी भी तुम भी ऐसे पूरी या कुछ भी खाने का लेकर आओ, अगर तुम्हें लोमड़ी मिले और वो तारीफ़ करे तो तुम्हें उसकी तारीफ़ में फंसना नहीं है, कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कौवे के पोते समझ गए कि नहीं, बराबर है दादाजी आपकी बात, वैसे पूरी नीचे गिर गई तो हम भी भूखे रह जाएंगे।
लोमड़ी ने भी अपने पोतों को ये कहानी सुनाई कि सपोज आप जंगल में घूम रहे हो, कौवे जैसा कोई पक्षी आपको दिख जाए जो काला कलर का होता है, अगर उसकी चोंच में कुछ खाने का हो तो आप उसकी तारीफ करना, पहले तो उसके कलर की तारीफ करना, उसके शरीर की तारीफ करना, बाद में उसके गाने की तारीफ करना। तो जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोलेगा तो पूरी नीचे आएगी, तो पूरी आप खा सकोगे, कोई भी चीज़ खा सकोगे और आपका पेट भर जाएगा। कौवे जो लोमड़ी के पोते थे वो भी समझ गए कि नहीं दादाजी आपकी बात बराबर है, ये तो दिमाग लगाना चाहिए कि जिससे हमें बिना काम किए हमें क्या हो जाएगा, खाना मिल सकता है, बिना काम किए हमें मिल सकता है। तो कुछ दिनों बाद ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ, एक कौवा उड़कर जा रहा था जंगल में, जंगल में से निकल रहा था तो उसके चोंच में एक पूरी थी, वो तो पूरी खाने के लिए एक डाल पर बैठा। जैसे ही डाल पर बैठा तो दूर से एक लोमड़ी आती हुई दिखाई दी, तो लोमड़ी ने भी कौवे को देखा, तो लोमड़ी को अपने दादा की बात याद आ गई और कौवे को भी अपने दादा की बात याद आ गई कि हमें क्या करना है। तो लोमड़ी आई कौवे के पास, लोमड़ी ऊपर, लोमड़ी नीचे थी, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा था। लोमड़ी ने तो कौवे की तारीफ करने लगी कि क्या कौवा भाई, आपका तो रूप रंग क्या है, आप तो बहुत ही खूबसूरत हो, लोग आपके बारे में बहुत ही भरा बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं तो आपको मन से दिल से ही खूबसूरत मानता हूँ कि आप तो मोर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। कौवा बोला कि तू बोलता जा, मैं भी सीख कर आया हूँ घर से ही। लोमड़ी तो उसकी तारीफ करने लगा, बाद में धीरे धीरे लोमड़ी ने तारीफ की कि आपकी आवाज़ तो कोयल से भी मीठी है कौवा आई की, कौवे भाई की, एक काम करो आप मुझे गाना सुनाओ। कौवा बोलते कोई बात नहीं। कौवे ने तब अपना दिमाग लगाया, कौवे ने क्या किया, अपने पैर से पूरी को पकड़ लिया और कहाँ कहाँ करने लगा। हम जानते हैं कि कौवे की आवाज़ कोई मधुर होती नहीं है, जब कभी भी हमारे घर के आसपास भी कौवा बोलता है तो हम उसको क्या करते हैं, भगा देते हैं, क्योंकि कौवे की आवाज़ से क्या होता है, एक कर्कश सी आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ इतनी मीठी नहीं होती, जैसे कोयल की मोर की आवाज़ हमें सुननी अच्छी लगती है वैसे कौवे की आवाज़ हमें सुननी अच्छी नहीं लगती है। लोमड़ी का तो जो आइडिया प्लान था वो क्या हो गया, फेल हो गया, उसको लोमड़ी को पूरी मिली नहीं और साथ में कौवे की कर्कश आवाज़ भी सुननी पड़ी और 2-4-5 मिनट तक कौवे की आवाज़ सुनी, बाद में लोमड़ी क्या होगी वहाँ से भाग गई और जैसे लोमड़ी भाग गई वैसे कौवे ने भी अपनी जो पूरी थी वो पाँव में से निकाल कर अपनी चोंच में पकड़ ली और खा ली। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये तो एक कहानी दादा और पोतों की मैंने सुनी, लेकिन एक्चुअली हमें यहाँ पर यह समझना है कि एक बार हमसे गलती हो जाती है तो दूसरी बार सेम मिस्टेक हमसे ना हो, इसलिए उसके लिए हमें थोड़ा पीछे देखना पड़ता है। पीछे देखना मतलब हमारे जीवन में जो घटना घट गई है, जो इंसिडेंट्स बन गए हैं, वो हमें याद रखने की मैंने ये गलती उस टाइम की थी, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी है। कौवे ने ये गलती दोबारा नहीं की तो कौवे को पूरी मिली, तो कौवे ने दिमाग लगाया, कौवे ने यहाँ पर क्या किया, अपने जो गलती थी उसका क्या किया, गलती का ऑब्जर्वेशन किया और उसको रेक्टिफाई किया कि नहीं ये गलती मेरे से हुई है, तो उसे रेक्टिफाई किया, उसने पता लगा कि ये गलती मेरे से हुई है तो उसने दोबारा वो गलती दोहराई नहीं और उसको पूरी खाने को मिली। तो विद्यार्थी मित्रों ये जो तीनों स्टोरी हमने सुनी अभी और जो दयालु शिकारी की स्टोरी सुनी, यहाँ पर ये तीनों स्टोरी में हमें एक ही बात है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं रहेगा, ये हार्ड है वो हार्ड है ऐसा करोगे और मेहनत करने से भाग जाओगे तो आपके अच्छे नंबर से आप पास नहीं होंगे। तो ये मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि पूरा ध्यान आप अपना पढ़ाई में लगाओ और अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल करो और कोई भी वो चीज़ हो उसको, उसे हमें कोई भी मुश्किल आए पढ़ने में तो उससे सामने हमें घुटने नहीं टेकने, लेकिन उसका डटकर सामना करना है। सो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये तीनों चार कहानियाँ बराबर समझ में आ गई होगी। ओके, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।